श्रीमती ज्योति धुर्वे। धन्यवाद अध्यक्ष जी। क्वेश्चन नंबर 623। ऑनरेबल मिनिस्टर, द स्टेटमेंट इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। जी, अपना पूरक प्रश्न पूछिए। धन्यवाद अध्यक्ष जी। पिछली पंचवर्षीय योजना में यूपीए की सरकार ने पब्लिक प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप प्लान हो, जिसमें उन्होंने एक स्किल डेवलपमेंट और आईटीआई का उन्होंने उन पिछड़े और निचले जिलों को उन्होंने चिन्हित किया था। लेकिन मुझे मेरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने जो आंकड़े मुझे दिखाए हैं वो केवल मुझे लगता है कि केवल कागजों में दिखाई पड़ता है। अध्यक्ष जी, आज भी यदि हम रोजगार की वृद्धि के अवसर को हम देखें तो आज भी रोजगार के लिए आपने मनरेगा को गांव में रोजगार के उद्देश्य से आपने उसको लागू किया है। आज भी यदि हम उस यदि स्किल डेवलपमेंट और आईटीआई यदि पॉलिटेक्निक के उन बच्चों को यदि देखें तो प्रति वर्ष 1,00,000 बच्चे आज भी उस गरीब अंचल से, उस पिछड़े जिले से, उस पिछड़े प्रदेश से निकल कर आते हैं और प्राइवेट सेक्टर आज भी उन अंचलों में, उस क्षेत्र में जाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पे उन्हें वो सारी सुविधा आज भी सरकार ने उपलब्ध नहीं कराई है। और इसका दोष उन बेरोजगारों के लिए, उन युवाओं के लिए हम यदि उन तक धकेल दे तो मुझे लगता है ये हमारे लिए अन्यायपूर्ण कार्य होगा। आज भी माननीय मंत्री जी यह बताएंगे कि यदि रोजगार का सबसे बड़ा सेक्टर यदि हम देखें तो लघु उद्योग और मध्यम उद्योग होता है, जहां हम हैंडीक्राफ्ट वस्तुओं का आयात और निर्यात करते हैं। और जो सबसे बड़ा यदि हमारा रोजगार है वो भारत में यही एक रोजगार है, जो हम इस रूप से हम उन बच्चों को उस स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से और उस पॉलिटेक्निक से निकलने वाले बच्चों को हम छोटे छोटे कार्यक्रम के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से हम रोजगार दे सकते हैं। क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट है, आज भी भारत बहुत ही पिछड़ चुका है और शायद ही खत्म होने के कगार पे खड़ा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यही पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि माननीय मंत्री जी ये बताएंगे कि पिछले 3 वर्षों में उन्होंने इस एक्सपोर्ट को और इन पिछड़े जो जिले हैं उनमें उसने इस आईटीआई और जो स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से रोजगार यदि दिए हैं तो कितने दिए हैं, कहाँ दिए हैं, किन प्रदेश को दिए हैं और कौन सा प्रदेश सबसे आगे है और कौन सा प्रदेश सबसे पीछे है, माननीय मंत्री जी बताएं। इतने सवाल पूछे मैडम। मैडम स्पीकर, क्वेश्चन जो है मुझे पूछा गया है whether the government has any well-defined policy for providing adequate employment both for professionally qualified and others alike. इसीलिए मैंने ये उत्तर दिया था और ये उत्तर हमने नहीं तैयार किया कि नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने जो फीड किया है वही उत्तर मैंने दिया है। वो 2000 2004 और 5 में एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स इसमें 17.31 मिलियन थे, 2009-10 में 30.11 मिलियन है और टोटल सुनिए परसेंटेज इंक्रीज इसमें जो हुआ है प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट में 74% हुआ है और अनस्किल्ड टुगेदर 459 मिलियन में 465 मिलियन 9-10 में, तो उसका इंक्रीज केवल उसका इंक्रीज
1.4 हुआ है, और जो आईटीआई की बात कर रहे हैं तो मैं ये उनको बताना चाहता हूं, और खास करके जो नंबर ऑफ आईटीआईज सिंस इंसेप्शन 2007-8 तक 6,997 थे, यानी सॉरी 6,979, और आज सिर्फ 4-5 साल में आईटीआईज बढ़ के 9,447 हो गए। तो सिर्फ 4 साल में इतने आईटीआईज बढ़े हैं, और यहाँ पर कैपेसिटी जो है, पहली इसकी कैपेसिटी थी 8.29 लाख, आज वो कैपेसिटी ट्रेनिंग की कैपेसिटी बढ़ा के 13.35 लाख हमने की है। इसका मतलब है कि कम से कम आज 5 लाख लोगों को ज़्यादा ट्रेनिंग दी जा रही है कंपेरेटिव प्रीवियस ईयर। उसके अलावा जो आईटीआई के अब आईटीआई में कितने लोगों को काम मिला, कहाँ मिला, सुनिए ये डिटेल मेरे पास नहीं है, मैं प्रोवाइड करके उनको भेजता हूँ, क्योंकि अरे सुनिए, देखिए ये क्वेश्चन सिर्फ आईटीआई को कंसर्न नहीं था, इसीलिए वो फिगर्स में आपको अगर होना है, मेरे पास जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है एनएचएसओ हो या स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट, उनसे मैं मंगा कर कोशिश करके देता हूँ। दूसरा प्रश्न पूछिए। धन्यवाद अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया, शायद यदि देना चाहते तो कम से कम वो स्किल डेवलपमेंट के लिए पंचवर्षीय जो प्लान में उन्होंने कितना फंड दिया है वही बता देते तो शायद मुझे लगता कि उनके पास में कुछ आंकड़े सही है। दूसरा मेरा प्रश्न आपके माध्यम से मैं ये पूछना चाहती हूँ अध्यक्ष जी, कि सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम लगातार लंबे समय से उन लोगों के लिए चला रहे हैं जो आज भी उन्हें बीपीएल से एपीएल की ओर लाना है। पीएमजीएसवाई स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना उन्होंने चालू की है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना चालू की है। यदि हम इस महात्मा गांधी रोजगार गारंटी को छोड़कर यदि ये स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना हो और चाहे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना हो, इनका प्रमुख माध्यम है कि जो परिवार, जो व्यक्ति जो बीपीएल में आता है उसे एपीएल की ओर लाने के लिए ये योजना को, इस योजना के माध्यम से उसे एपीएल की ओर लाना होता है। लेकिन क्या माननीय मंत्री जी यह बताएंगे कि पिछले 3 वर्षों में उन्होंने ऐसे कितने बीपीएल को एपीएल किया है? देखिए नो, ये बीपीएल से कितने लोग एपीएल में आ गए ये आंकड़े हमारे पास नहीं मिलते, ये तो प्लानिंग डिपार्टमेंट करता है। मैं ये बता सकता हूँ कि जो भी रूरल डेवलपमेंट से मुझे आंकड़े मिले हैं, ये प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार स्वराज योजना में, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम में, और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में 2008, 2009, 2010, 2011 और 2012 का फिजिकल टारगेट क्या है और फिनेंशियल टारगेट क्या है, मैं डिटेल अब आपकी अनुमति हो तो मैं पूरा बता देता हूँ। तो ये 4 स्कीम में जो 2008-9 में 2.55 मिलियन जो एम्प्लॉयमेंट इसको दिए हैं, और खास करके अब वो 3.57 अप टू फेब्रुवरी 12 तक 11-12 में हुआ है,
और इसी ढंग से आज पहले जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना में जो स्वरोजगार इज असिस्टेड, इसमें कम से कम जो दिया गया है 2238 करोड़ 8-9 में, 2230 करोड़ 9-10 में, और 10-11 में 2665 करोड़, और अब 2600 फिजिकल अचीवमेंट बोले तो जो रोजगार देने का फिनेंशियल टारगेट आपको मालूम है, मैं फिजिकल टारगेट में बताना चाहता हूँ कि ये जो है 18.62 लाख और 20 मिलियन 21 मिलियन 11.63, ये जितने भी आंकड़े हैं मैं पूरा इसका डिटेल कॉपी उनको भेजूंगा एक। और दूसरी चीज, उन्होंने ये कहा कि आईटीआई के लिए 12th 5-year plan में कितना पैसा रखा, कम से कम ये बोलना चाहिए। उसके लिए जो हमको स्किल डेवलपमेंट के लिए खास करके 1500 आईटीआईस और 5000 स्किल डेवलपमेंट के लिए 5240 करोड़ रुपए नज़दीक उसके लिए रखे हैं। हर साल 1000 करोड़ से ज़्यादा खर्च करने का हमारा इरादा है, और बैकवर्ड एरिया में ही ये ज़्यादा से ज़्यादा हम स्किल डेवलपमेंट और आईटीआईस को प्रोत्साहित करेंगे। श्री नारायण भाई कछार।